हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हम सब आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फोटेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को एमएस डॉस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि गाइस आपको इसके वीडियो पहले वाले वीडियोस में आप देखेंगे तो मतलब एमएस डॉस का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें हमने बताया था कि आप सिंगल इंटर में कैसे सब डायरेक्टरी को कम्प्लीट करके बना सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर जिस भी लोकेशन पे हमने आपको डेस्कटॉप पे बताया था। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सिंगल इंटर में कैसे फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, यानी सब डायरेक्टरी, सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर आता है उसे आप कैसे सिंगल इंटर में डिलीट कर सकते हैं। हालांकि एक कमांड है डेल्ट्री कमांड, वो फिलहाल हो सकता है किसी में रन करे किसी में नहीं करे। तो अगर आप इस कमांड को देखना चाहते हैं, देखिए पहले नंबर तो सब फोल्डर जो है उसके अंदर आपका कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से खाली होनी चाहिए, तब ये डेल ट्री आप लगा के चेक कर सकते हैं। आपको कमांड में सिर्फ लिखना है डेल ट्री, एक साथ लिखना होगा डेल ट्री, DELTRII, डेल ट्री स्पेस के साथ उस फोल्डर का नाम दे दीजिए जिस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स रखे गए हैं, ठीक है। आप पहला तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम पहला तरीका यूज नहीं करने वाले हैं। आपको पूरी पूरी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कमांड बेस पे, मतलब जो RD कमांड होता है रिमूव डायरेक्टरी, सिंगल जैसे फोल्डर डिलीट करते हैं उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट करके हम यहाँ पे बताएंगे सिंगल इंटर में। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना जरूरी है और सबके साथ शेयर करना, क्योंकि आपके पास नॉलेज हो तो फिर दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर और आपको बताते हैं सिंगल इंटर में कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कमांड को खोल कर रखा है और यहाँ पे जो अभी करंट लोकेशन है पाथ, ठीक है, वो है डेस्कटॉप, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी जो भी काम करेंगे, जो भी फोल्डर बनाएंगे डिलीट करेंगे वो सारा डेस्कटॉप पर से होगा, ठीक है। लोकेशन अभी डेस्कटॉप है। तो गैस यहाँ पर अभी जो हम यहाँ पे सब डायरेक्टरी बनाए थे वो मुंबई का बनाए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं और यहाँ पर गाइस आज हम एक ही इंटर में ये सारे फोल्डर को डिलीट करके आपको दिखाने वाले हैं, एक ही बार में इस फोल्डर को डिलीट करके दिखाने वाले हैं। तो ये हम कब मानेंगे कि ये फोल्डर डिलीट हो गया है नहीं हुआ है, जो भी है हम कैसे मानेंगे। तो गाइस अभी जब भी हम इसको आप देखें ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा तब आप मान सकते हैं कि ये फोल्डर, ये ट्री, इसमें जितने भी फोल्डर थे वो सारे सारे डिलीट हो गए हैं सिर्फ एक इंटर में, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए हम सबसे पहले इसको आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो ए है, ए के अंदर A1 और ए के अंदर ही A2 है, मतलब कुल मिला के इसका लोकेशन अगर देखा जाए, ट्रैक किया जाए, तो आप देख सकते हैं मुंबई के अंदर ए है और ए के अंदर देखा जाए तो दो फोल्डर है, A1 और A2, जो कि ए के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको पता है कि फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे RD का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे RD यूज कर लिया स्पेस के साथ। अब देखिए सबसे पहले हम उस फोल्डर को डिलीट करेंगे जो कि खाली है, इम्पटी किया हुआ है, अगर नहीं है तो उसे हम इम्पटी करेंगे। इम्पटी करने के लिए अगर आपका जैसे A1 में या A2 में अगर फाइल है तो उसे डिलीट करना होगा, जी हाँ गाइस, उसे डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए आप डेल का यूज कर सकते हैं, डेल कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल नहीं है तो आप RD कमांड से डायरेक्ट फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिए आप समझिएगा, जब हम MD करते थे MD बैकस्लैश देकर जितने भी फोल्डर के नाम देते थे वो सारे क्रिएट होते चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जैसे RD करके जो भी पास देते जाएंगे वो सारे के सारे फोल्डर को डिलीट करेगा नहीं, ठीक है, फोल्डर वही डिलीट करेगा जो आपने लास्ट में पाथ दे रखा होगा। जैसे कि अभी हम A1 का पाथ हम लास्ट देते हैं, तो A1 का पाथ हम लास्ट कैसे देंगे, मुंबई बैकस्लैश A बैकस्लैश A1, तो ये रहा A1 का पाथ, मतलब कि ये सिर्फ A1 को ही डिलीट करेगा, ठीक है, A2 को नहीं करेगा, ना ही A को करेगा, क्योंकि A भी पूरी तरह से खाली नहीं है इसलिए उसको डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। A2 को करेगा, A2 कब करेगा, जब हम यहाँ पे स्पेस के साथ मुंबई बैकस्लैश A बैकस्लैश A2 लिखेंगे तब यहाँ पे A2 को डिलीट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा A डिलीट नहीं हो रहा है, सिर्फ A2 डिलीट हो रहा है। तो A को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे
स्पेस के साथ मुंबई बैकस्लेस ए लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ए का भी फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब स्पेस देकर अब हम चलते हैं बी कैटेगरी में, बी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम बी फोल्डर में हम किसको करेंगे, बी टू को या फिर बी थ्री को कर सकते हैं पहले, ठीक है। हाँ, बी वन को भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही बी को कर सकते हैं, विदाउट बी वन और बी टू, सॉरी बी टू और बी थ्री को डिलीट किए। तो सबसे पहले हम बी टू या बी थ्री कोई भी कर लेंगे, बैकस्लेस बी के, सॉरी बी बैकस्लेस बी वन बैकस्लेस बी टू, यहाँ पे हमने बी टू को डिलीट किया है सिर्फ, ना कि बी थ्री को। तो अब स्पेस के साथ उसका भी पाथ दे देते हैं, मुंबई बैकस्लेस बी बैकस्लेस बी वन बैकस्लेस बी थ्री, हमने यहाँ पे मुंबई सॉरी यहाँ पे बी थ्री का भी लोकेशन हमने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया, स्पेस दिए। ये सारे का सारे जो है रन तभी करेगा जब आप एक यहाँ पे इंटर लगाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ तक इंटर लगाएंगे तो क्या करेगा, ए वाले पूरा को डिलीट करेगा और यहाँ पे बी टू और बी थ्री डिलीट करेगा, बी वन नहीं करेगा और ना ही बी को करेगा। तो इसको करने के लिए हम आगे चलते हैं, मुंबई बैकस्लेस बी के अंदर बी वन, ठीक है। बी वन को हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे बी थ्री और बी टू, मतलब ये दोनों फोल्डर हमने डिलीट कर दिया, बी वन रन करना चाहिए, बी वन यहाँ पे डिलीट होना चाहिए, उसके बाद बी को डिलीट करते हैं, मुंबई बैकस्लेस बी, ये हो गया बी फोल्डर को भी डिलीट कर, मतलब यहाँ पे ए में जितना फोल्डर था वो क्लियर हो गया, बी जो भी था वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं सी की ओर, स्पेस दिए, मुंबई बैकस्लेस, अब लिखेंगे यहाँ पे सी बैकस्लेस, चलिए अब सी के अंदर सी वन है और सी वन के अंदर सी टू है, तो हम यहाँ पे सी वन लिखेंगे और इसके अंदर जाकर सी टू को डिलीट करेंगे, ठीक है। सी टू डिलीट हो गया, अब यहाँ स्पेस के साथ सी वन को डिलीट करेंगे, मुंबई बैकस्लेस सी के अंदर जाकर सी वन को डिलीट कर दिए, स्पेस दिए, सी वन डिलीट हो गया, ठीक है। अभी अभी हम सी को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी सी के अंदर एक सी थ्री नाम का फोल्डर बचा हुआ है, तो हम उसको पहले डिलीट करेंगे, मुंबई बैकस्लेस सी बैकस्लेस सी थ्री बैकस्लेस सी फोर, क्योंकि यहां पे सी फोर सी थ्री के अंदर है, तो पहले इसको खाली करेंगे उसके बाद सी थ्री को डिलीट करेंगे, सी फोर यहाँ पे दे दिए, सी फोर डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे मुंबई से चलते हैं, मुंबई सी बैकस्लेस सी थ्री, अब छोड़ देंगे सी थ्री क्योंकि सी फोर तो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया, सी थ्री डिलीट होगा स्पेस के साथ। अब हम यहाँ पे सी को डिलीट करेंगे, ठीक है, सी वन हो गया, सी वन भी हो गया ना, सी वन डिलीट, हाँ सी वन डिलीट हो गया, सी थ्री भी डिलीट हो गया, अब सी को सिर्फ डिलीट करना है, मुंबई बैकस्लेस सी। तो यहाँ पे मुंबई बैकस्लेस सी मतलब यहाँ पे ए में जितना था, बी में जितना था और सी में जितना था वो सब हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्लियर है। अब स्पेस के साथ हम यहाँ पे मुंबई नाम के जो भी फोल्डर थे उसको हम डिलीट कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मुंबई ये भी डिलीट हो जाना चाहिए। अगर हम वो डिलीट कब होगा, अब हम ये सारे कमांड को क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे। तो चलिए हम एक इंटर लगाते हैं, फाइनली यहाँ पे हमने सारे कमांड को लिख लिया है, सारे कमांड को यहाँ पे लिख लिया, अब यहाँ पे हम सिर्फ एंटर करना है। तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो चुका है, तो थी ना कमाल की वीडियो, यहाँ से ही डिलीट हो गया। तो अब ट्री करके आपको दिखा देते हैं मुंबई, जो कि नहीं दिखने वाला है, इससे फोल्डर ही मिलेगा ही नहीं, तो दिखाएगा क्या, नो सब फोल्डर्स एग्जिस्ट लिख दिया यहाँ पे आपको। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा है ये वीडियो, जैसा भी लगाओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर से, ठीक है।